बिना सहकार नहीं उद्धार, यह नारा अक्सर राजनीति पार्टियों के नेताओं के मुंह से आपने कई बार सुना होगा, लेकिन सहकारिता की भूल भावना को जो लोग क्रियान्वित करते हैं, वे किस तरह की जिंदगी बिता रहे हैं, इसका किसी को अंदाजा भी नहीं है। आपको बता दें कि इसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। यह बात मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आयोजित हड़ताल के 12वें दिन जिलाध्यक्ष जवाल सिंह ठाकुर ने कही। जिलाध्यक्ष ठाकुर ने कहा कि सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन कर उनको धरातल पर पहुंचाने का काम हम ही लोग करते हैं, उसके बावजूद भी सरकार हमारा शोषण कर रही। पूर्व में महासंघ व शासन के साथ हुए समझौते और मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित कमेटी द्वारा जारी रिपोर्ट अनुसार वेतन मान का लाभ नहीं दिए जाने और अन्य मार्गों पर अब तक विचार नहीं किए जाने पर धरना स्थल पर सहकारी कर्मचारियों ने बुधवार को सीफा फॉर्म भरा। जिले भर के कर्मचारी आज गुरुवार को दोपहर भोपाल के लिए रवाना होंगे, जहां 19 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सामूहिक इस्तीफा सौंपा जाएगा। बताएं आज आपका हड़ताल का कौन सा दिन है और किस तरह का आज प्रदर्शन हुआ? आज प्रदेशव्यापी हड़ताल का 12वां दिन है और अनिश्चितकालीन आंदोलन जो चल रहा है उसका कार्यक्रम आज धरना स्थल तक का हमारा यहीं तक का था। कल दिनांक 18 को हम भोपाल के लिए सभी प्रदेश से हमारे कर्मचारी सभी रवाना होंगे और 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कितने कर्मचारी जाएंगे भोपाल? करीब 50 से 55 हज़ार कर्मचारी हमारे पूरे प्रदेश के और देवास जिले के 700 कर्मचारी। आपका नाम? जवाल सिंह ठाकुर।